she's... Hey, customs. प्लास्टिक के जो डब्बों के अंदर या कवर के अंदर ये छोटे छोटे बैग्स रखे हुए हैं। ट्रैवल से रिलेटेड तीन बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। दो तीन मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप ट्रैवल करते हो, एयरपोर्ट के थ्रू ट्रैवल करते हो, फ्लाइट के थ्रू ट्रैवल करते हो, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है वो दिल्ली से आ रही है, दिल्ली एयरपोर्ट से आ रही है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते थे कि मेट्रो से ट्रैवल करते, क्योंकि अगर आप मेट्रो से ट्रैवल करते हो तो मात्र आपको 20 मिनट टाइम लगता है। अगर डायरेक्ट वो मेट्रो जाती है दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर, इंदिरा गांधी हवाई अड्डे के अंदर जाती है मेट्रो, और आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से फिर आप अंदर चले जाओगे, यानी 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगता है। लेकिन आप दूसरी जगह से अगर ट्रैवल करके आ रहे हो दिल्ली में और कहीं से भी, तो एक घंटा, दो घंटा, तीन तीन घंटा लग जाता है कार में या टैक्सी में। तो ये सेफेस्ट जगह माना गया है, यानी अच्छे कम समय में आप ट्रैवल कर सकते। तो उसके साथ साथ एक और सुविधा दिया गया है कि अब चाहो तो अपना बोर्डिंग जो लगेज जमा कर सकते हो मेट्रो के अंदर, और वहाँ से अपना बोर्डिंग पास ले सकते हो। क्योंकि ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपडेट जारी करके बताया है, तो यात्रियों के लिए अच्छा सुविधा है कि वो मेट्रो क्यों लंबी लंबी कतार जो लगा देते थे दिल्ली एयरपोर्ट में, वो लगाने की ज़रूरत नहीं। आप मेट्रो स्टेशन पे जाके अपना चेकिंग बैग, लेकिन हर मेट्रो स्टेशन पे ये नहीं है, कुछ मेट्रो स्टेशन पे बताया, जैसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, वहाँ से जो जाती है मेट्रो डायरेक्ट एयरपोर्ट के अंदर, वहाँ से आप चेकिंग करा के अपना जो बोर्डिंग कार्ड पास ले सकते हो और डायरेक्ट यात्रा कर सकते हो। दूसरा जो अपडेट है वो बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि जो विदेश मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी किया और बताया है कि अगर आपके पास कोई भी तरह का छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कोई केस है और आप विदेश का यात्रा करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको वहाँ के लोकल, जहाँ भी आपका केस चल रहा है या कुछ आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे जो लोकल पुलिस है वहाँ से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, यानी विदेश मंत्रालय से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। वो पुलिस जो थाना है वो विदेश मंत्रालय से परमिशन लेगा, आपको परमिशन देगा, तब आप विदेश का यात्रा कर सकते हो। अचानक अगर ऐसे यात्रा करोगे तो एयरपोर्ट पर आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि आए दिनों बहुत सारे लोगों को इस तरह से गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उनके पास छोटे मोटे केस था और वो विदाउट पुलिस को बताए हुए वो ट्रैवल करना चाहे, यानी विदेश में ट्रैवल करना चाहे, तो एयरपोर्ट पर सूचित कर दिया जाता है जिस भी यात्री के ऊपर अगर केस होता है कि हाँ इसके ऊपर केस है, इसके ऊपर कुछ क्राइम है, तो वहाँ से आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फिर वहाँ से आपको डबल केस लड़ना पड़ेगा, यानी डबल आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। एक तो आपको भागने का जुर्म में केस चलेगा, दूसरा जो आपके ऊपर केस है वो तो केस चलेगा ही। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है उसमें बताया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से, बेसिकली ये इंडियन एयरपोर्ट की बात नहीं है, जितने भी एयरपोर्ट है, यानी आप अदर कंट्री का एयरपोर्ट मान लो या फिर इंडिया के जितने एयरपोर्ट है, सारे कंट्री का एयरपोर्ट ने एक अपडेट जारी किया और बताया है। कुछ लोग को अटपटा सा लगे, लेकिन अगर आपको चेक करना है, अपने आप को विश्वास दिलाना है, तो ये गलती आप करके देखना, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली रियलिटी क्या है। पहला जो बताया गया है कि अगर आप अपने चेकिंग बैग में, ऐसे नहीं जो हैंड बैग में उस पर आप रख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन चेकिंग बैग में आप किसी भी कंट्री का एटीएम हो गया या फिर डेबिट कार्ड हो गया या पेन कार्ड हो गया, इस तरह का चीज़ आप अपने लगेज बैग में नहीं रखने का, जैसा बताया। दूसरा, आपको किसी भी दूसरे का डॉक्यूमेंट, जैसे कुछ भी आधार कार्ड है या किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट है, वो अपने लगेज बैग में नहीं रखने का। तीसरा, किसी भी कंट्री का करेंसी हो, थोड़ी करेंसी हो, ज़्यादा करेंसी हो, अगर आप अपने हैंड बैग में रखोगे तो नो प्रॉब्लम, आप बता सकते हो, आप क्लियर कर सकते हो, लेकिन लगेज बैग में रखोगे आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रॉब्लम।